असलम वैसे आपकी जगह यहाँ नहीं वहाँ है, पर अच्छा आप हमें यहीं मिल गए क्योंकि हमें आपके साथ ढेर सारी बातें करनी है। सो किंग्स ऑफ कबड्डी में पुनेरी पलटन के सुपरस्टार असलम इनामदार का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। असलम भाई का स्वागत नहीं करेंगे? थैंक यू। सीजन 10 जहां खत्म किया था एज चैंपियंस, वहीं से शुरुआत करते हैं। असलम इनामदार पुनेरी पलटन के कैप्टन, द यंगेस्ट कैप्टन टू लिफ्ट द ट्रॉफी, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड भी मिला था। असलम, सीजन 10 जीतने के बाद जिंदगी कैसे बदली? ज़िंदगी तो एकदम से बदल गई, क्योंकि मैं बहुत यंगेस्ट प्लेयर था जो सीज़न 8 में मैंने डेब्यू किया था प्रो कबड्डी में। अनुप कुमार, राकेश कुमार, मंजीत चिल्लर, तो उनको देख देख के कभी कभी ऐसा आता था कि उनको पहले सीज़न 2 में मुझे लगता है कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर मिला था मंजीत चिल्लर को। तो वो बड़ा थार गाड़ी था, तो घर वाले बोलते थे इतना पैसा उनको मिल रहा है, गाड़ी मिल रही है, तुमको कभी होगा क्या, तुम तो बस ऐसे खेलने के लिए जाते हो प्राइज मैचेस। तो मैं बोला, मतलब हर एक का टाइम होता है, मैं ऐसा मेरे मम्मा को बोलता था, भाई को बोलता था, बट ऊपर वाले ने वो टाइम मेरे लिए बहुत जल्द लाया। मैं एक दिन लीग का एक यंगेस्ट कैप्टन भी बना और ट्रॉफी भी उठाई और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी बन गया मैं। और जिस तरह से लोग आपको प्यार देते हैं असलम, उसके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, पर आपने अपनी मम्मी का जिक्र किया, आपने अपनी फैमिली का जिक्र किया, उनके सपोर्ट के बारे में बताया। काफ़ी मुश्किलों से आप आगे आए हैं, आपकी मम्मी ने भी बहुत संघर्ष किया है आपको यहाँ तक लेकर आने के लिए, आपने बहुत संघर्ष किया है, कुछ बताना चाहेंगे हमें? मेरी मम्मी लोगों के घर धोना बर्तन करती थी, मेरा ब्रदर भी लोगों के खेत में काम करता था, मैं खुद भी होटल्स में लोगों के खेतों में बहुत काम किए। पर कभी कभी क्या होता था, अम्मा को ताने भी मिलते थे लोगों के, लोगों से उधार पैसे लेती थी मम्मा, तो बहुत सपोर्ट था मम्मा का हमारे पीछे। तो बहुत मोटिवेट मिलता है मेरे मम्मा को देख के मुझे कि मैं हर एक चीज़ सक्सेसफुली कर पा रहा हूँ। सोचता था अम्मा भी कि तुम भी कभी जाएगे नहीं जाएगे प्रो कबड्डी में। अम्मा मैं जिस दिन जाएगा ना, तो उस दिन मैं बाहर बैठने के लिए नहीं जाएगा प्रो कबड्डी में। जिस दिन जाएगा, जहाँ से स्टार्ट करेगा तेरा बेटा, वहाँ से तो जब ख़त्म करेगा तो वो उसका नाम अलग रहेगा। मैं बोलता था अम्मा को, मेरा भाई भी कॉन्फिडेंस देता था कि नहीं तो जाना है तो उस लीग का नाम बनना है। तो वो मुझे लगता है कि मैं कर पाया और कर रहा हूँ। और ऐसे ही थोड़ी ना हम कहते हैं, खिलाड़ी शानदार नाम है असलम इनामदार। स्पेशली मैंने ये देखा था असलम, हम जहाँ भी जाते थे आपके जितने भी फैंस थे, असलम दादा चिल्ला चिल्ला के उनका गला बैठ जाता था। जब ऐसा प्यार देखते हैं आप, इतना एडमिरेशन देखते हैं, तो आपको कैसा लगता है? पॉजिटिवनेस मिल रहा है बॉडी के लिए, और क्या होता है फिर माइंड अपना शार्प हो जाता है यार, लोग अपने लिए अच्छा तरीके से देख रहे, तो हमें कुछ करना है, हमें कुछ अच्छा करना है। वो दिल का जज्बा एक अच्छा हो जाता है कि नहीं करना है भाई, करना है। और मुझे लगता है उनके वजह से ही परफॉर्मेंस थोड़ा अप होते जा रहा है। बिल्कुल असलम, वैसे आपके स्टाइल के भी बहुत लोग दीवाने हैं, चाहे वो आपके हेयर स्टाइल्स हो, आपके कोई हीरो है, मतलब कोई कोई बॉलीवुड में कोई आपके हीरो हो जो आपके बहुत फेवरेट हो और उनसे आप थोड़ा बहुत इंस्पायर होते हो? ऐसा हीरो तो कोई नहीं है, बट क्योंकि आप खुद ही हीरो हैं। मेरा ऐसा सोचे, मैं इतना खुद को कैरी इसलिए करता हूँ कि लोगों ने बोलना चाहिए कि ये इंडियन कबड्डी प्लेयर है। जैसा लोग क्रिकेट के बारे में बोलते हैं, विराट कोहली का नाम लेते हैं, किसी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम लेते हैं, तो मुझे लगता है कि कबड्डी प्लेयर में भी होना चाहिए। मिट्टी से मैट तक ये गेम पहुँच चुका है, तो जो आपने कहा है वो भी तो डेफिनेटली होना चाहिए। पिछले साल आपके जो साथी थे मोहम्मद रजा शादलू, उनके भी हेयर स्टाइल्स के बहुत लोग दीवाने हैं। तो मैं क्या करूंगी, मैं आपको ना शादलू के कुछ फोटोज दिखाने वाली हूँ। okay. आपको 1 से लेके 10 तक उनको मार्क्स देने। okay. ये इसका बताइए। ये 7। 7? Yes. Not bad. ये तो शादलू सीजन 8 का ही है। सीजन 8 का है ना? जी जी, सीजन 8 का ही है। इसके लिए तो 6। 6? जी। बेटर। ये आई थिंक शादलू का ईरान की कोई फोटोग्राफ है। यहाँ पे शादलू बिल्कुल भी शादलू नहीं लग रहे जिन्हें हम जानते हैं आप। कितने मार्क्स देंगे आप इसको? 8। नॉट बैड। यस। ओह, 10। 10? यस। ये वाला पिक्चर और ये वाला जो लुक है, ये असलम को बहुत पसंद आया। yes. शादलू, नॉट बैड। जल्दी करूंगा मैं भी ऐसा। चलिए असलम, हम आपके लिए एक और गेम लेकर आए हैं, ठीक है? तो ये होने वाला है रैपिड फायर। जी। और हम आपको इसके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं देने वाले हैं। What is the best thing you can cook? आपको, आप क्या क्या बनाते हो पहले ये बताओ। मटन, फिश, सब कुछ बना लेता हूँ। सब कुछ बना लेते? सब कुछ बना लो खाने में। आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है?
मेरी फेवरेट मूवी वैसे ही मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह, आई थिंक आप जिस स्पीड में भागते हैं वो स्पिरिट और स्पीड वहीं से इंस्पायर होती है। ये बताइए कि कबड्डी के अलावा आप और कौन सा खेल फॉलो करते हैं? कबड्डी के अलावा मैं क्रिकेट ज़्यादा खेलता हूँ और क्रिकेट में मुझे बॉलिंग पसंद है। अच्छा, देखते भी हैं और खेलते भी बहुत ज़्यादा। वाह वाह, असलम इनामदार ऑफ द पास्ट, उसे अगर आप कोई एडवाइस देना चाहें तो आप क्या कहेंगे से? एडवाइस बस यही दूंगा कि तेरा जो बहुत ज़्यादा मेहनत करने का जज्बा जुनून है वो बरकरार रखना चाहिए ऐसे ही, और जो मोटिवेट से भरा हुआ तेरा माइंड है वो ऐसे ही मोटिवेट रखना है। जी आप। अच्छा, मम्मी के हाथ का खाना या बाहर का खाना? मम्मी के हाथ का, बिल्कुल, मतलब बाहर का नहीं, मम्मी के हाथ का तो बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, आखिरी सवाल, आपका घर पे निकनेम क्या है? बड़ी सिस्टर ज़्यादा तो पोट्टे बोलती मुझे। पोटे का क्या मतलब होता है? पोटे मतलब बिगड़ा हुआ। आपकी सिस्टर्स हो, आपकी फैमिली हो, पूरा का पूरा देश आपसे इतना प्यार करता है। थैंक यू सो मच असलम, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये थे असलम इनामदार, पुनेरी पलटन के कैप्टन। वैसे महाराष्ट्र की एक और टीम है भी खेल में जिसका नाम है यू मुंबा। यू मुंबा के नए कप्तान से मिलना चाहेंगे? आइए चलते हैं रिशान के पास। हमारे साथ आज एक स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं, the most successful Indian captain Sunil Kumar. Welcome Sunil. Thank you bhai. एक successful कप्तान हो आप इस लीग के, तो हम सवाल जवाब करेंगे एक दूसरे के साथ, हंसी मजाक करेंगे। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल जी, तैयार हो? पूरी तरह से। पूरी तरह से तैयार हूँ। तो यही पहला सवाल ये है कि मेरा, देखिए आप एक किसान की फैमिली से बिलोंग करते हो, तो खेतों में तो काम बहुत किया होगा। बिल्कुल। तो कबड्डी भी खेली होगी खेतों में। तो खेतों से लेके मैट तक का जो सफर रहा है, कि कैसे शुरू हुआ ये? कबड्डी शुरुआत गांव से ही हुई थी भाई साहब। वहाँ पर बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स थे, उनमें से एक मेरे अंकल का लड़का था जिसने मेरे को कबड्डी की तरफ लेके गए थे। अच्छा। और गांव से ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। ओके। तो फिर वहाँ प्रैक्टिस करते करते 2014 में मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। उसके बाद थोड़ा घर की जिम्मेवारी, क्योंकि मैं बड़ा हूँ घर में, मैं एक छोटा भाई है मेरा, तो उसके वहाँ से फिर गुरुजी हैं जो गांव से, भूपेंद्र मलिक, और बड़ा भाई है वो अंकल का लड़का, उन्होंने बोला प्रैक्टिस करते जा करते जा। प्रैक्टिस करते गए भाई साहब, उसके बाद 2015 में गांधीनगर साई में चले गए। अच्छा। जयवीर कोच साहब के पास है, वहाँ पर अच्छी प्रैक्टिस की और मैट पर खेलना स्टार्ट कर दिया वहाँ पर। तो पटना पायरेट्स में जब पहली बार स्टेडियम में एंटर किए मैच खेलने के लिए, वो जो शोर था, जो लाइट्स था वहाँ पे स्टेडियम में, तो ऐसे नर्वसनेस हुई कभी या डर लगा कि हम ये क्या देख रहे करके? पहली बार ऐसी चकाचौंध देखने मिल रही है हमें, कबड्डी पहली बार वो स्टेडियम में एंटर करते हो, कैसा था वो एक्सपीरियंस? बिल्कुल थोड़ी नर्वस तो है भाई साहब, क्योंकि इतना बड़े प्लेटफार्म पर पहली बार एंट्री ले रहे थे, खेलने जा रहे थे। पहले तो गांव में खेत में खेल लिए, मिट्टी पर खेल लिए, लोकल टूर्नामेंट्स खेल लिए, वहाँ पर इतना वो नहीं होता था। PKL का प्लेटफॉर्म तो बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है और थोड़े नर्वस थे। सुनील परवेज के बारे में बहुत ज़्यादा हमें सुनने मिला, एक जय वेरू के नाम से जानी जाती है ये जोड़ी, मतलब परवेज के साथ बहुत पहले से ये बॉन्डिंग था या PKL में आने के बाद हुआ ये बॉन्डिंग? स्टार्ट ही दोनों ने एक साथ खेलना किया था। अच्छा। हम दोनों एक ही गांव से हैं। एक ही गांव से? हाँ जी। तो 8-10 साल के थे तब हमने खेलना स्टार्ट किया था। अच्छा, 8 साल के थे तब से हम फ्रेंड हैं। बचपन से ही तुम दोनों साथ में खेल रहे हो? जी, तब से ही हम फ्रेंड हैं। उसके लिए वो इतना बॉन्डिंग जबरदस्त। और जो हमारे गुरुजी हैं वो कवर पर ज्यादा फोकस करते हैं, तो ज्यादा प्रैक्टिस होती है कवर की, और मैं और परवेज स्टार्टिंग से ही कवर खेलते 8 साल के थे तब से ही। बहुत कुछ हुआ है, बहुत सपने पूरे हुए। अगर PKL के बारे में हम बात करें तो PKL ने सभी कबड्डी खिलाड़ियों का जो सपने हैं वो पूरे किए, और आपके तो बहुत ज़्यादा सपने पूरे होंगे। मेरे को ऐसे लगता है कि मेरे लाइफ में एक गोल है हमारा कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है, सबसे महंगी चीज़ कुछ वैसे कुछ खरीदा है उन पैसों से। खरीदा भाई साहब, लेकिन सबसे पहले जो चीज़ थी मेरे को एक घर बनाना था। हाँ। पहले घर नहीं था बिल्कुल, एक रूम था, दो रूम थे। हाँ। तो फैमिली तो एडजस्ट हो जाती, लेकिन फ्रेंड आ जाते थे, फिर प्रॉब्लम होती थी, रिश्तेदार आते थे। तो सबसे पहले घर बनाना था, तो सबसे पहले मैंने गांव में घर बनाया था, और उसके बाद फिर मैंने गाड़ी ली, फिर प्लॉट वगैरह, फ्लैट वगैरह। अच्छा। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारे सपने पूरे हुए हैं,
कबड्डी ने पी के एल आने के बाद कबड्डी प्लेयर्स को नाम फेम पैसा इज्जत सब कुछ दे दिया। पहले भाई साहब ये संजीव बालियान कोच साहब है या राकेश भाई साहब है एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट उन जैसे प्लेयर नहीं हुए अभी तक और उनको कोई नहीं जानता था। हाँ। लेकिन पी के एल आने के बाद एक से अगर 20 बच्चे हैं पी के एल की टीम में तो जो 20वां बच्चा जो नहीं खेल रहा उसको भी लोग जान रहे हैं अभी। सीजन 9 में एज अ कैप्टन टीम को ट्रॉफी जिताना चैंपियन बनाना वो एक सपना था कि अधूरा था तुम्हारा पूरी तरह से और वो तुमने कंप्लीट किया तो उसके बारे में उस सफर के बारे में बताइए। सीजन 5 में आए थे भाई साहब तो टीम ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था लेकिन फाइनल में जाने के बाद पटना पायरेट से हार गए। आंखों से आंसू आए थे कि टीम ने इतना अच्छा करने के बाद भी नहीं जीत पाए। 6 सीजन में 5th सीजन से भी अच्छा किया फाइनल मैच में भी हाफ टाइम तक अच्छा किया। अच्छा। पवन ने आंधी मचा दी। और वो सीजन भी हाथ से चला गया और उस सीजन में पहली बार प्रो कबड्डी में कैप्टन भी बना था सीजन 6 में तो उस टाइम भी बहुत बुरा लगा। तो 9th सीजन में जयपुर ने मेरे ऊपर भरोसा दिखाया और 9th सीजन मेरी लाइफ का बहुत ही अच्छा सीजन था क्योंकि आज ये कैप्टन ट्रॉफी जीती जयपुर के लिए। कि आप एक सक्सेसफुल कप्तान हो इंडियन कप्तान हो इस लीग के तो क्या है वो मंत्र आपके कप्तानी का? मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ आपके। हरियाणा में अनूप भाई साहब बहुत अच्छा चल रहे थे और वही है मेरे आइडल भी वही है अनूप भाई साहब। लेकिन एक मानना मेरा ये भी है भाई साहब एक अच्छा कैप्टन एक अच्छी टीम बनाती है। बिल्कुल टीम अच्छी परफॉर्म कर रही है तो टीम कैप्टन अच्छा है। हाँ। टीम नहीं कर रही है मैं तो क्या करता हूँ कुछ नहीं करता लेकिन परफॉर्म तो टीम ही करती है सब अपना अपना काम करती है और ये कैप्टन अच्छा कहला जाता है। थैंक यू सुनील थैंक यू भाई साहब आपसे बात करके ये कन्वर्सेशन जो थी हमारी वो भी बहुत अच्छी थी। आपको सीजन 11 के लिए ऑल द बेस्ट अच्छा करके दिखाना है जरूर भाई साहब। थैंक यू भाई साहब।